अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज जी मैं बना रही हूँ चिकन डोनट, तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन डोनट बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, चिकन है 1/2 kg, 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला है, 1 टेबल स्पून लहसुन पाउडर है, 1 टेबल स्पून अदरक पाउडर है। अगर आपके पास पेस्ट है तो वो यूज़ कर लें, ज़्यादा अच्छा है। नमक हसबे जायका और थोड़े से चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून होंगे। और आलू है मेरे पास, छोटे थे तो मैंने 3 बॉयल किए, आपके पास अगर 2 है तो 2 बॉयल कर लें। और साथ थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। फ्लेम ऑन करते हैं और पहले चिकन को फ्राई करते हैं। बहुत इजी, बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं, ट्राई ज़रूर करें। 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल, 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल, चिकन को फ्राई करेंगे, साथ सारे मसाले डालेंगे। चिकन को फ्राई करेंगे और साथ सारे मसाले डाल देंगे। चिकन फ्राई हो रहा है और इसमें 2 चम्मच दही जाएगा, इसी में चिकन भी गल जाएगी। और इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रखना है हल्की आंच पे, ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए। चिकन फ्राई हो गए, अब इसको ठंडा करते हैं। फिर इसमें आलू डालेंगे, आलू को मैं मैश करती हूँ। चिकन ठंडा हो रहा है तो इस दौरान मैं आलू को मैश कर लेती हूँ। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, लंच में दें उनको। आलू मैश हो गए हैं, अब इसको चिकन मैंने श्रेड कर लिए छोटे छोटे पीसेस में, अब आलू को डाल दें। मिक्स करेंगे साथ सब्ज धनिया। फिर मैं बताती हूँ इसका दूसरा पार्ट। एक दफा जरूर बनाएं, बहुत मजे के बनते हैं। मसाला तैयार करके रख लिए और अब जो चाहिए वो है ब्रेड और 2 अदद अंडे फ्राई करने के लिए। और इस तरह के आपको 2 ढक्कन चाहिए डोनट शेप के लिए, इस तरह। मेरे पास ये साइज़ है, अगर आप लोगों ने बड़े बनाने हैं, वैसे ये साइज़ बिल्कुल ठीक है। इस तरह ढक्कन को प्रेस करके जो किनारे बच गए हैं उनको उतार लेना है। इस तरह, और अब जो छोटा ढक्कन है उसको दरमियान में रख के इसे प्रेस करना है। और ये देखें कितने अच्छी शेप में, डोनट शेप में आए। इस तरह ये सारे तैयार कर लेने हैं। और अब मैं इसके ऊपर ये जो हमने चिकन का मसाला तैयार किया है, आलू और चिकन, वो लगाएंगे। हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते जाना है।
ऐसे ही सारे तैयार करके रख लेने हैं। ये देखिए कितनी अच्छी डोनट की शेप आ रही है। डोनट तैयार करके रख लिए, कितने अच्छे लग रहे हैं। अब अंडों को फेंट लेते हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिए चूल्हे पे, अच्छी तरह फेंट के अंडों को फेंट लिए। अब एक डोनट को पकड़ेंगे आराम से कि टूटे ना, अंडे में डिप करेंगे दोनों साइड्स और फिर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। बाकी भी इसी तरह करने हैं। अंडा लगाएंगे पहले आराम से, ब्रेड क्रम्स, और ऐसे सारे फ्राई कर लेंगे। कितना अच्छा कलर आया है। बाकी भी मैं सारे ऐसे फ्राई कर लेती हूँ। ये हमारे मज़ेदार से चिकन डोनट तैयार हो गए हैं। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि कैसे बने। ये देखिए मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये आपके लिए। बहुत मज़े के हैं। एक एक दफ़ा प्लीज़ ज़रूर ट्राई करके देखें, बहुत मज़े के। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।